मॉर्निंग बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम को हिंदी में सौर मंडल कहते हैं। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं जो हमारा जो सन है उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो उसमें हमारा फर्स्ट प्लैनेट है मरकरी। मरकरी को हम हिंदी में बुध बोलते हैं। सेकेंड प्लैनेट है वीनस। वीनस को हम शुक्र बोलते हैं। थर्ड प्लैनेट हमारा अर्थ। अर्थ को हम पृथ्वी बोलते हैं। फोर्थ प्लैनेट है मार्स, जिसको हम मंगल ग्रह बोलते हैं। फिफ्थ प्लैनेट है हमारा जुपिटर। जुपिटर को हम बृहस्पति बोलते हैं। सिक्स प्लैनेट हमारा सैटर्न। सैटर्न को हम शनि ग्रह बोलते हैं। सेवन्थ प्लैनेट है हमारा यूरेनस। यूरेनस को हम अरुण बोलते हैं। और जो हमारा 8th प्लैनेट है वो हमारा है नेपच्यून। नेपच्यून को हम वरुण बोलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं मरकरी की। जो हमारा जो फर्स्ट प्लैनेट है मरकरी, ये हमारे सौर मंडल का सबसे पहला ग्रह है जो हमारे सन के बहुत पास रहता है। और यह हमारा सबसे छोटा प्लैनेट भी होता है। यह दिन के समय बहुत गर्म होता है, रात के समय अपने आप ठंडा भी हो जाता है। सेकेंड प्लैनेट है हमारा वीनस। शुक्र ग्रह हमारे सौर मंडल का सेकंड प्लैनेट है। वह इसे हम रात में देख सकते हैं, कभी कभी हम यह हमें दिन में भी दिखाई देता है। थर्ड प्लैनेट है हमारा अर्थ। अर्थ हमारे सोलर सिस्टम का केवल एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे जीवन है। और इसका 70% हिस्सा जो पानी से कवर है, इसलिए हम इसको ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। हमारा फोर्थ प्लैनेट है मार्स। मार्स को हम हिंदी में मंगल ग्रह बोलते हैं। इसे हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो सतह है, इसकी जो ज़मीन है, पूरी तरीके से जंग लगे हुए लोहे से बनी है। हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है जुपिटर। हमारा फिफ्थ प्लैनेट है जुपिटर। जुपिटर को हम बृहस्पति बोलते हैं। बृहस्पति को हम विशाल गैस वाला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इस पर समतल सतह नहीं होने के कारण इसके चारों तरफ गैस के बादल से बना हुआ है। नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा सैटर्न। सैटर्न जो है हमारा प्लैनेट, इसको हम नेक्स्ट प्लैनेट हमारा सैटर्न, इसको हम शनि ग्रह भी बोलते हैं। यह हमारा सोलर सिस्टम का 6th प्लैनेट है और यह सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है हमारे सोलर सिस्टम का। नेक्स्ट प्लैनेट है हमारा यूरेनस। यूरेनस हमारा सोलर सिस्टम का 7th प्लैनेट है। और जो यह जो हमारे जो सन है उसकी हमेशा उल्टी परिक्रमा करता है। हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है नेपच्यून, और यह हमारे सोलर सिस्टम का लास्ट प्लैनेट है। नेपच्यून जो है सोलर सिस्टम का 8th प्लैनेट है। यह सूर्य से बहुत दूर है। यह सूर्य से बहुत दूर होने के कारण यह बहुत काला और हमेशा ठंडा रहता है। थैंक यू।